नमस्कार, बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक धर्मेंद्र हिंदी फिल्मों में अपनी मजबूत कदकाठी और एक्शन के लिए हीमान माने जाते थे। उनकी 1960 में आई दिल भी तेरा हम भी तेरे पहली फिल्म रही। अनुपमा, सत्यकाम, बंदनी उनकी यादगार फिल्में रही, लेकिन उनकी सबसे चर्चित भूमिका 1975 में आई फिल्म शोले में फिरू की रही। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्मे फिल्म अभिनेता और निर्माता धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्म सिंह देओल है। धर्मेंद्र के पिता स्कूल के हेडमास्टर थे। अपने गांव से मीलों दूर धर्मेंद्र ने एक सिनेमा घर में सुरैया फिल्म की दिल लगी देखी और इससे वे इतने प्रभावित हुए कि अपना करियर उन्होंने फिल्मों में बनाने का निश्चय किया। धर्मेंद्र ने 40 दिनों तक रोजाना दिल लगी देखी और इस फिल्म देखने के लिए मीलो पैदल चले। धर्मेंद्र को जब पता चला कि फिल्मफेयर नामक पत्रिका नई प्रतिभा की खोज कर रही है तो उन्होंने भी फॉर्म भेजा। धर्मेंद्र ने कहीं से अभिनय नहीं सीखा था, इसके बावजूद उन्होंने तमाम प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़ा और वे टैलेंट हंट में चुन लिए गए। धर्मेंद्र को लगा कि अब उन्हें फिल्मों में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये बात महज सपना साबित हुई। उन्हें जमकर संघर्ष करना पड़ा। कई बार सिर्फ चने खाकर बेंच पर सोकर उन्हें रात बितानी पड़ी। फिल्म निर्माताओं के दफ्तर में चक्कर लगाने के लिए वे मीलों पैदल चलते थे ताकि पैसे बचा सके और उससे कुछ खा सके। अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत की। हिंगोरानी परिवार का धर्मेंद्र ने ताउम्र एहसान माना और उनकी कई फिल्मों में काम करने के बदले नाम मात्र का पैसा लिया। माला सिन्हा, नुतुन, मीना कुमारी जैसी उस दौर की नामी हीरोइनों के साथ धर्मेंद्र ने काम किया। 1969 से 1984 तक भारत की एक मशहूर अभिनेत्री रह चुकी शर्मिला टैगोर ने वर्ष 1991 से 2010 तक भी सिनेमा में काम किया। इनका फिल्मी करियर बहुत ही लंबा रहा। आज के दिन यानी 8 दिसंबर 1944 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। शर्मिला ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 1969 में एक बंगाली फिल्म अपूर्व संसार से की थी। बाद में यह हिंदी सिनेमा में आई, जहां इन्हें वर्ष 1964 में पहली बार कश्मीर की कली फिल्म में अभिनय करने का मौका मिला। यही से इनकी हिंदी सिनेमा की शुरुआत हुई थी। इनके पिता का नाम गीतेंद्रनाथ टैगोर था और माता का नाम इरा बरूच था। ओइंद्रिला कुंडा और रोमिली सेन इनकी बहनी थी। इनका विवाह 27 दिसंबर 1969 को मंसूर अली खान पटौदी से हुआ था। अभिनेता सैफ अली खान इनके बेटे हैं और साबा अली खान और सुहा अली खान इनकी बेटियां हैं। मशहूर अभिनेत्री करीना कपूर इनकी बहू है। कुणाल कपूर इनकी सन इन लॉ है। वही इब्राहिम अली खान और तैमूर अली खान इनकी पोते हैं और सारा अली खान इनकी पोती है। शर्मिला टैगोर ने अपनी शुरुआती शिक्षा लोरेटो कॉन्वेंट एसेंसुल वेस्ट बंगाल से की थी। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका सिनेमा की दुनिया में सबसे लंबा अनुभव रहा है। ये वर्ष 1959 से 2010 तक सिनेमा की दुनिया में रही है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बंगाली फिल्म से की थी, उसके बाद इन्होंने हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। भाई परमानंद अथवा पंडित परमानंद भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। वे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और एक महापुरुष थे। परमानंद जी जहां आर्य समाज और वैदिक धर्म के सच्चे प्रचारक थे, वहीं दूसरे ओर एक इतिहासकार, साहित्यकार और प्रसिद्ध शिक्षाविद के रूप में भी उन्होंने ख्याति अर्जित की थी। भारत की स्वतंत्रता में मुख्य भूमिका निभाने वाले सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल और करतार सिंह जैसे ना जाने कितने राष्ट्रभक्त युवकों ने इनसे प्रेरणा प्राप्त की थी। आज ही के दिन 8 दिसंबर 1947 में उनका निधन हुआ था। राष्ट्रीय विचारों के लिए विदेशी सरकार ने जिनके लिए मृत्युदंड की घोषणा की और जो हिंदू महासभा के प्रमुख नेता बने थे, उन भाई परमानंद का जन्म 4 नवंबर 1876 को पंजाब के झेलम जिले में हुआ था। उन्होंने डीएवी कॉलेज और पंजाब विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी की थी। वे आरंभ में ही आर्य समाज के नेता लाला लाजपत राय और महात्मा हंसराज के प्रभाव में आ गए थे। अतः डीएवी कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के साथ ही वे आर्य समाज का प्रचार भी करते रहे। 1905 में वे दक्षिण अफ्रीका गए और वहां समाज की शाखा स्थापित की।
दक्षिण अफ्रीका से वे इतिहास का अध्ययन पूरा करने के लिए लंदन गए और 1908 में भारत आकर डीएवी कॉलेज लाहौर में फिर से अध्यापन करने लगे। उन्होंने बर्मा की और फिर दोबारा दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। इस बीच उन्होंने उर्दू में तवारीखे उर्दू नामक भारत के इतिहास की पुस्तक लिखी। इसे सरकार ने जब्त कर लिया। उनके घर की तलाशी हुई और 3 वर्ष तक अच्छा चाल चलन रखने के लिए उनसे जमानत देने को कहा गया। इस पर भाई परमानंद ने भारत छोड़ दिया और ब्रिटेन, गायना और ट्रिनिडाड होते हुए कैलिफोर्निया अमेरिका जा पहुंचे। वहां परमानंद के बचपन के मित्र लाला हरदयाल गदर पार्टी का काम कर रहे थे। बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।